केंद्र सरकार द्वारा जहां 2014 में आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि सांसद द्वारा गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा और जो गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा उस गांव में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के सर्व सुविधा युक्त गांव होगा। इस गांव में आदर्श गांव योजना का जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा नहीं दी गई है। इस गांव में कहने के तो उच्च स्वास्थ्य केंद्र है क्योंकि वो कभी खुलते ही नहीं, लोगों को 12 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ रहा है। सुविधा मैं यही मानूंगी, जितना बड़ा बिल्डिंग हॉस्पिटल बना के दिए हैं वहाँ एक डॉक्टर चाहिए, चाहे वो हफ्ते में एक दिन ही आए, लेकिन डॉक्टर एक स्टाफ नर्स देना चाहिए। बाकी चीजें सब सुविधा उपलब्ध, बाकी सुविधा है और पानी व्यवस्था यहाँ वहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित तो की गई है लेकिन आज तक स्कूल भवन बना ही नहीं। जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे बाउंड्री वॉल आज तक नहीं है। आदर्श गांव के रूप में चिन्हांकित किया गया है भारत सरकार के द्वारा और यहाँ आदर्श गांव के बाद जो फैसिलिटी वाली बात अगर अपन करें तो ये विद्यालय पहले हाई स्कूल संचालित था और ये अपग्रेड हुआ है आदर्श गांव होने के बाद। अब मॉडल गांव होने के नाते यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है? यहाँ लड़कियों के लिए शौचालय और लड़कों के लिए नहीं है और बाउंड्री अभी आधा है। इस विद्यालय में 19 शैक्षणिक अमले के पद सेंक्शन है जिसके विरुद्ध खाली 3 लोग हम लोग कार्यरत हैं, बाकी 5 गैर शैक्षणिक अमले के पोस्ट सेंक्शन है और उसमें भी एक भी लोग कार्यरत नहीं है। आंगनबाड़ी जर्जर बंद पड़ी हुई है। जी मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोल रही हूँ, आंगनबाड़ी कलमनिया केंद्र क्रमांक 1 की हूँ। मेरी आंगनबाड़ी जर्जर में हो गया है, बहुत मुसीबत होता है बच्चों को कहाँ बैठाएं और किराया भवन ना मिलने के कारण पंचायत द्वारा एक कंप्यूटर रूम है उसको दिए हैं अभी बस लगाने के लिए। जनरल योजना का वहाँ भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे पंचायती स्तर के काम भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ आदर्श गांव होने के नाते क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई है? यहाँ का सांसद माननीय श्री दलपत सिंह परस्ती जी रहे तो सांसद आदर्श ग्राम करवाए, उनके मृत्यु होने के बाद ये गांव विधवा हो गया, ये गांव विधवा हो गया। जैसे यहाँ जल नल योजना का प्रस्ताव पारित हुआ, जल नल योजना का वो बोरिंग भी खनाया गया, आज तक उसमें ना कोई वो लगा है, पाइप लगा है, ना कुछ टंकर बना है, कुछ नहीं, खाना पड़ा है। दलपत सिंह के मृत्यु होने के बाद आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। मॉडल गांव का अलग से बजट क्या नहीं आया होगा क्या? जी आया भी होगा, तो अभी तो अपर कलेक्टर साहब जब आए थे यहाँ तो बताए कि सरपंच साहब के अकाउंट में 11 लाख रुपए आए हैं जो काम के लिए हैं और उसके लिए उसके बजट के बारे में हमें पता नहीं है कि ये कहाँ से आया है और किसके पास है। उस समय जब आदर्श ग्राम घोषित किए तो हर विभाग यहाँ आया करके घोषणा किया कि हम ये बनवाएंगे, हम ये विभाग से बनवाएंगे। एसी साहब बोले कि हम ये बैगा विकास, बैगा मोहल्ला में हम सीसी रोड करवाएंगे। पीडब्ल्यूडी बोला कि हम यहाँ से यहाँ रोड बनवाएंगे, यहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, हम एक डॉक्टर बैठेंगे, 5 बेड का बिस्तर रहेगा, डिलीवरी यहीं होगा। लेकिन मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये आदर्श ग्राम का एक मॉडल के रूप में वो कर रहे हैं, तो मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है। मैं यह वीडियो देखने वाले सभी लोगों से अपील करता हूँ कि हमारे जिला के कलेक्टर साहब हैं नरेश कुमार पाल जी, जिनका फ़ोन नंबर है 76-52-24-17-00। मैं रामलाल, ग्राम किलमनिया, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहार्ट के लिए।